हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच एस वी हार्मर स्टडी व्लॉग टुडे वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एम ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री पार्ट सेवन सो लेट्स लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज एज अ मोनोक्रोमेटर इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर व्हाट इज़ यूज्ड सो एज अ मोनोक्रोमेटर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या यूज़ करते हैं ऑप्शन ए प्रिजम ऑप्शन बी डाइफेक्शन विद द स्लिट ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस ऑप्शन डी नन ऑफ दीस सो मोनोक्रोमेटर क्या है मोनोक्रोमेटर प्रोड्यूस करता है बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस प्रिजम एंड डाइफ्रेक्चर विद द स्लिट बोथ आर यूज एज अ मोनोक्रोमेटर इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सेकेंड क्वेश्चन इज विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इन अ फ्लेम फोटोमीटर फ्लेम फोटोमीटर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं ऑप्शन ए फ्लेम ऑप्शन बी नेबोलाइजर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ऑप्शन डी बर्नर सो द आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी फ्लेम एंड नैबोलाइजर बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इन फ्लेम फोटोमीटर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोटोमीटर फोटोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं ऑप्शन ए टू टाइप्स ऑप्शन बी फोर टाइप्स सी फाइव टाइप्स डी थ्री टाइप सो द आंसर इज ऑप्शन ए टू टाइप्स सो टू टाइप्स के फोटोमीटर uh, होते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीटर एंड फिल्टर फोटोमीटर फोर्थ क्वेश्चन इज विच एंटीकोगुलेंट इज़ यूज फॉर ई एस आर एस्टिमेशन सो कौन सा एंटीकोगलेंट हम यूज़ करते हैं ई एस आर की एस्टिमेशन के लिए ई एस आर इज़ इथ्रोसाइड सेंडिमेंटेशन रेट ऑप्शन ए सोडियम सिट्रेट ऑप्शन बी सोडियम फुलराइड ऑप्शन सी डबल ऑक्सलेट, ऑप्शन डी हैप्री सो द आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम सिट्रेट एंटीकोगलेंट इज यूज फॉर ई एस आर एस्टिमेशन फिफ्थ क्वेश्चन इज इन गाउ डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल शो हाई रिजल्ट सो गाउड डिजीज़ में जो नीचे दिए गए टेस्ट हैं उनमें से कौन सा टेस्ट है जिसका रिजल्ट हाई शो होता है ऑप्शन ए यूरिक एसिड ऑप्शन बी यूरिया ऑप्शन सी क्रिटनाइन ऑप्शन डी ग्लूकोज सो द आंसर इज ऑप्शन ए यूरिक एसिड शो हाई रिजल्ट इन गाउ डिजीज सिक्सथ क्वेश्चन इज विच टेस्ट इज़ डन टू कन्फर्म डायबिटीज़ मलाइटिस सो कौन सा टेस्ट है जो डन करता है जो कन्फर्म करता है डायबिटीज़ मलाइटिस को ऑप्शन ए फास्टिंग शुगर ऑप्शन बी रैंडम शुगर ऑप्शन सी ओ जी टी टी ऑप्शन डी एच बी ए वन सी सो द आंसर इज ऑप्शन सी ओ जी टी टी कन्फर्म डायबिटीज़ मलाइटस ओ जी टी टी स्टैंड फॉर औरल गूकोजॉरलेंस टेस्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज वन ऑफ द फॉलिंग इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन सो नीचे दिए इलेक्ट्रोलाइट्स में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जो एक्स्ट्रा सेल्युलर कीटाइन है ऑप्शन ए सोडियम बी पोटाशियम सी कलोराइड डी आल ऑफ दीस सो द आंसर इज ऑप्शन ए सोडियम सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर केटाइन एर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलिंग कम अंडर इलेक्ट्रोलाइट्स सो so, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंडर होता है अंडर आता है ऑप्शन ए सोडियम बी पोटाशियम सी कैल्शियम डी आल ऑफ दीज सो आंसर इज ऑप्शन डी आल ऑफ दिस। सो सोडियम पोटाशियम कैल्शियम ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स के अंडर होते हैं अंडर आते हैं नाइन क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम इज सीरम सोडियम की नॉर्मल रेंज क्या है ऑप्शन ए 3.8 टू 5.6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑप्शन बी 95 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑप्शन सी 133 टू 148 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑप्शन डी 50 टू 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर सो द आंसर इज ऑप्शन सी वन थर्टी थ्री टू वन फोर्टी एट मिली इक्वलेंट पर लीटर इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम क्वेश्चन टेंथ इज यूरिया सेकल अक्करीन सो जो यूरिया का सेकल है वो किसमें अक्कर होता है ऑप्शन ए किडनी बी लीवर सी हार्ट डी ब्रेन सो द आंसर इज ऑप्शन बी लीवर इलेवेंथ क्वेश्चन इज विच इज़ अ पार्ट ऑफ़ प्री एनालिटिकल इन क्वालिटी कंट्रोल सो क्वालिटी कंट्रोल में प्री एनालिटिकल का पार्ट कौन सा है ऑप्शन ए डिस्पैच ऑफ रिपोर्ट ऑप्शन बी परफॉर्मिंग टेस्ट ऑप्शन सी चेक द वेन बिफोर ब्लड कलेक्शन ऑप्शन डी मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिपोर्ट्स सो द आंसर इज ऑप्शन सी चेक द वेन बिफोर ब्लड क्लेक्शन सो ये प्री एनालिटिकल के स्टेप के अंदर आता है 12th question is what is renal threshold for glucose option a 108 mg per dl b 160 to 180 mg per dl c 140 mg per dl d 80 to 110 mg per dl so the answer is option b 160 to 180 is renal threshold for glucose 13th question is विच मैथड इज़ यूज फॉर यूरिया टेस्ट सो नीचे दीगे मैथड में से हम कौन सा मैथड है जो यूरिया टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्शन ए ओटोलोडिन मैथड ऑप्शन बी यूरिकेस मैथड सी डैम मैथड डी बाई यूरिट मैथड सो द आंसर इज़ ऑप्शन सी डैम मैथड डैम मैथड स्टैंड फॉर डाईसिटाइल मोनोऑक्साइम मैथड दिस मैथड यूज फॉर यूरिया टेस्ट एस्टीमेशन फोर्टीन क्वेश्चन इज हाइपोन्यूट्रीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच सो हाइपोन्यूट्रीमिया जो कंडीशन है वो किस में होती है ऑप्शन ए लो सोडियम इन ब्लड बी हाई सोडियम इन ब्लड सी लो पोटाशियम इन ब्लड डी हाई पोटाशियम इन ब्लड सो द आंसर इज ऑप्शन ए लो सोडियम इन ब्लड सो इसके आगे हाइपो वर्ड यूज हुआ है हाइपो का मीन्स ही लो होता है अगर यहाँ हाइपर आता हाइपर का मीन्स होता है हाई हाइपो का मीन्स है लो सो न्यूट्रीमिया इज सोडियम लो सोडियम इन ब्लड फिफ्टींथ क्वेश्चन इज जी टी टी स्टैंड्स फोर ऑप्शन ए ग्लूकोज टोटल टेस्ट बी ग्लूकोज थेरेपी टेस्ट सी ग्लूकोज टॉरलेंस टेस्ट डी नैन ऑफ दिस सो द आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोस टॉरलेंस टेस्ट जी टी टी स्टैंड्स फॉर गुलूकोस टॉरलैंड टेस्ट सो दीज आर द फिफ्टींथ क्वेश्चन वी डिसकस टूडे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक माई विडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग